गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? हमें उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने चैनल आर पी पब्लिक स्कूल साथ में। और जैसा कि हम आपको बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ, बहुत ही अच्छे अच्छे पोएम्स पढ़ाते हैं और उनके अर्थ भी बताते हैं, समझाते भी हैं, तो हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगता होगा हमारे साथ पढ़कर, और हमें बहुत अच्छा लगता है आपको ऐसा बताते हुए, पढ़ाते हुए कहानियाँ और कविताएँ वगैरह। तो आज हम बच्चों एक सुंदर सी पोएम कक्षा 4 की लेकर आए हैं। पोएम का नाम है एक बूंद। पोएम का नाम क्या है? एक बूंद, यानी कि पानी की एक बूंद किस तरह से आकाश नीचे आती है, जब उन्हें चिगर रही होती है तो उसके मन में पता नहीं कौन कौन सी भावनाएं, क्या क्या सोचती आती है, मैं कहाँ गिरूंगी, या आग पे गिर जाऊंगी, या झाड़ झंकर में गिरूंगी, या सीप में गिरूंगी, या केले में गिरूंगी, पता नहीं क्या क्या सोचती हुई वो बूंद बेचारी धरती पर आती है, उसके मन में बहुत सारी उथल पुथल मची होती है कि नहीं? ऐसे मनुष्य होता है, जब वो जन्म लेता है उस समय तो उसको होश नहीं होता, लेकिन कुछ होश संभालता है तब उसके मन में भी ऐसी तरह की बातें आती हैं, पता नहीं मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, क्या करूंगा, कैसा मेरा भविष्य होगा, समाज में क्या मेरा सम्मान होगा, क्या स्थान होगा, ये सब विचार हमारे मन में आते रहते हैं। ऐसे इस बूंद के मन में जब आकाश से गिर रही है बादलों से धरती पर, तो बहुत सारे विचार उसके मन में उथल पुथल मचा रहे हैं, बहुत सारे विचार उसके मन में आ रहे हैं। तो आइए उन विचारों को किस तरह से कविता के माध्यम से हमको सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर पोएम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की ये कविता लिखी हुई है। बहुत ही अच्छे कवि, बहुत ही अच्छे साहित्यकार वो रहे हमारे देश के। तो आइए अब पढ़ते हैं सुंदर सी ये पोएम आपके सामने। आइए बच्चों, तो अब पढ़ते हैं ये पोएम आपकी बुक से। तो बुक का नाम है हिंदी सुरभी, कक्षा 4 की बुक है, इसका लाइन बुक। बहुत ही सुंदर पोएम है, चलिए शुरू करते हैं आपकी ये पोएम, बहुत ही सुंदर। देखो प्यारे बच्चों, हम हर बार बताते हैं आपको कि किसी भी भाषा को ज़्यादा समझने के लिए, जानने के लिए उसके जो मीनिंग्स हैं, क्योंकि जो शब्दकोश है उस पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके हम थोड़े शब्दकोश जान लेते हैं, शब्द अर्थ जान लेते हैं, जिससे आपकी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, थोड़ा अच्छा हो जाए, आपको पोएम अच्छे समझ में आ जाए। तो इसके कुछ मीनिंग्स हैं बच्चों, यानी कि शब्द अर्थ हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। ये लिखे हैं, देखिए इस वाले बॉक्स में जो दिख रहा है आपके लिए। पहला वर्ड है ज्यों। ज्यों का मतलब होता है जैसे ही। आपने सुना भी होगा, ज्यों ही स्कूल पहुंचा तो सर ने मुझे डांटा है ना, नमस्ते नहीं की, और ये वो ज्यों ही कहते हैं ना, तो ज्यों ही का मतलब जैसे ही। फिर है जी। जी माने होता है मन, कहते हैं मेरा जी नहीं कर रहा है, मेरा खाने का जी नहीं कर रहा है, मेरा सोने का जी नहीं कर रहा है, तो जी का मतलब मन। फिर बच्चों लिखा है देव। देव माने आप जानते हैं देवता। फिर भाग्य, भाग्य माने नसीब या फिर किस्मत। फिर लिखा है बदा। बदा कहते हैं तुम्हारा तो नसीब में ऐसे बदा हुआ है। बदा हुआ मतलब लिखा हुआ, या कह सकते हैं भाग्य में लिखा हुआ, उसे बदना कहते हैं। फिर अंगारा। अंगारा मतलब आग, ये लिखा हुआ आग का गोला, अंगारा मतलब आग का गोला। फिर एक एक माने होता है एक, और काल माने होता है बच्चों समय। फिर लिखा है समुंदर। समुंदर का मतलब समुद्र यानी सागर। फिर अनमनी, कहते हैं कैसे अनमने हो, अनमने का मतलब कैसा मूड खराब है तुम्हारा, बेमन से, बिना मन के, या कह सकते हैं कि उदास मन है, उसको भी अनमना कहते हैं। फिर लिखा बच्चों अक्षर। अक्षर का मतलब प्राय, यानी कभी कभी, इसको भी हम अक्षर कहते हैं। चलिए ये तो होगा इसके मीनिंग। आपको बच्चों इस तरह से सारे शब्दों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी किसी पोएम में या किसी भी हिंदी की कविता में इस तरह के शब्द आ जाएँ तो आपको समझ सकें। अब आपको ये याद करने हैं, पढ़ने हैं। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं ये कविता। बहुत ही सुंदर कविता है और ये कविता लिखी है, देखो कवि का नाम लिखा हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद। एक बूंद कविता का नाम है, पाठ संख्या 10। बहुत ही सुंदर पोएम है, किस तरह से बूंद जो आकाश से गिर रही है और किस तरह से वो कल्पना कर रही है, किस तरह से वो समझ रही है, सोच रही है कि मुझे कैसे कैसे यात्रा पूरी करनी है, क्या मेरा गंतव्य रहेगा। तो आइए पढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझेंगे। लिखा है कि ज्यों निकल कर बादलों की गोद से, बूंद कह रही है कि ज्यों निकल कर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। उपाध्याय जी जो हैं हरिओ जी, उनके ये विचार हैं इस बूंद के बारे में कि ज्यों निकल कर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, और सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कढ़ी। इसका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं बच्चों। ये जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैं बूंद के बारे में बता रहा हैं कि जैसे ही, जो माने जैसे ही बादल में से बूंद धरती की ओर निकल कर बढ़ती है, धरती को निकल कर बढ़ती है, वो कुछ ही आगे बढ़ पाती है, तभी उसके मन में, जी माने मन में वो विचार करने लगती है, सोचने लगती है कि अरे मैं घर छोड़कर क्यों आ गई, मैं अपना बादल छोड़कर क्यों निकल पड़ी, क्यों मैं घर छोड़कर भाग आई, क्यों वहाँ से निकल आई। फिर क्या सोचती आगे, क्या होता है और क्या समझती है वो बूंद कवि के अनुसार। फिर कहती है देव,
देव मेरे भाग्य में है क्या वदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। वाह, कितने अच्छे विचार हैं। तो कवि कह रहा है कि हे देव, वो बूंद कह रही है, प्रार्थना कर रही है, हे देव, हे देवताओं, मेरे भाग में क्या, ये क्या बता हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मेरे नसीब में क्या है कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, पता नहीं, या मैं नीचे जा रही हूँ, कहाँ गिरूंगी, धूल में गिरूंगी या बच जाऊंगी, या मेरा क्या होगा, क्या मेरे नसीब में यही लिखा हुआ है, ऐसा बूंद समझती है। और कह रही है कि या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या किसी आग के गोले पर गिर कर कहीं जल ना जाऊँ, या चुप पड़ूंगी या कमल के फूल में। और ऐसा भी हो सकता है कमल की पंखुड़ियाँ खुली हों, कमल का फूल हो सकता है उसमें मैं गिर जाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अंगारे गिर गई तो हो सकता है मैं जल के मर भी सकती हूँ, धूल में गिर सकती हूँ या बच सकती हूँ, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, ऐसा बूंद महसूस कर रही है, सोच रही है। और क्या लिखा है देखिए कवि ने उस बूंद के बारे में जो आकाश से धरती की ओर बढ़ रही है, तो वह क्या सोच रही है कवि के अनुसार लिखा हुआ है, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, वह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुँह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। देखिए नसीब, देखिए उस बूंद का, उसकी किस्मत देखिए कि बह गई उस काल, काल एक मतलब इसी समय, उसी समय जब बूंद नीचे गिरे तो उसी समय एक ऐसी हवा चलने लगी कि वो जो बूंद थी, जो बरसात थी, वह समुंदर और आई अनमनी। पूरा बूंद जो थी नीचे गिरे थी, लेकिन वो बेमन से, बिना मन के, हवा के साथ, झोर झरोकों के साथ समुद्र की ओर बढ़ गई। अब जब समुद्र में आ गई फिर क्या हुआ, एक समुंदर सुंदर सीप का मुँह था खुला। समुद्र सीप होते हैं, शंख होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सीप में आपने सुना होगा कि वो सीप में कोई स्वाति नक्षत्र की अगर बूंद सीप में गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। तो वही कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक सुंदर सीप का मुँह था खुला, एक सुंदर सा सीप जो कि मुँह खुला है, खोले हुए समुद्र में पड़ा था, और वो बूंद उसी में जाकर गिर गई और मोती बन गई। वैसे देखिए बूंद अगर पानी, आग पे गिरती, जल जाती, धूल में गिरती, मिल जाती, क्योंकि कोई कीमत नहीं, लेकिन वह बूंद जब सीप में गिर जाती है, मोती बन जाती है, केले में गिर जाती है, कपूर बन जाती है, सांप के मुँह में गिरती है, जहर बन जाती है। तो किस तरह से, एक तरह से संगति का असर, ये यहाँ पर बात आ जाती है संगति के असर की, कि किस तरह से संगति का असर से कोई भी चीज़ अच्छी बुरी और बन जाती है, हो जाती है, तो इसे हमें सीखना चाहिए। और देखिए क्या कहा कवि ने उस बूंद के बारे में, कि लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। देखो कितनी सुंदर बात इसमें कवि ने कही है, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, लोग घर से निकलते समय बहुत सोचते हैं, झिझकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, घर छोड़ के जा रहा है कि वहाँ पढ़ रहा है कि वहाँ रह रहा है, अरे उनकी लड़की वहाँ रह रही है, पढ़ रही है, उनका लड़का वहाँ पढ़ रहा है, कितना विचार करते हैं, कितनी बातें करते हैं, हम भी कितना सोचते समझते हैं, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। लेकिन कुछ कहते हैं कि इज्जत उसी ने पाई जिसने अपना वतन छोड़ा, अर्थात जब जगह नहीं छोड़ोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप कुछ पा नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते, कुछ आपको मिल नहीं सकता, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें, कभी कह रहा है लेकिन अक्सर होता ऐसा है, प्रायः ऐसा होता है कि घर छोड़ने पर अगर कोई बाहर निकल जाता तो कहीं आप देखते हैं कि कुछ बनकर लौटता है। आप अपने लोकल के क्षेत्र में देख लीजिए कि जो लोग कभी कभी बाहर निकल जाते हैं, कहीं काम कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो वहाँ वापस लौट कर आते हैं तो उनका अलग ही सम्मान होता है, अलग उनका, लोग उनको अलग नज़रिए से देखते हैं। ऐसे ही बूंद समझा रहे कि बूंद सा कुछ और ही देता है कर, यानी घर से निकलना, घर को छोड़ना अक्सर उस जैसे बूंद मोती बन गई, ऐसे वो लोग उस बूंद की तरह मोती बन जाते हैं, अर्थात एक अच्छा व्यक्तित्व लेकर आते हैं, एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान बनकर बाहर से अपने कह सकते हैं कि स्थान पर, अपने जन्म स्थान पर, अपने गांव में, अपने घर पर आते हैं, यानी कुछ बनकर। कहने का मतलब कि कहते ना, एक कुएं का मेंढक केवल कुएं के ही बारे में जानता है, इसलिए हमें कुछ बाहर भी निकलना चाहिए, समाज की तरफ निकलना चाहिए, क्षेत्र में निकलना चाहिए, घर को छोड़कर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, इससे हमारे अंदर नॉलेज बढ़े और हम अच्छे बुरे का
भान कर पाएँ, अर्थात हमारे अंदर अच्छे प्रकार का ज्ञान हो, समझ हो, जिससे हम अपने आप को सही इंसान बनाने में सफल हो सकें, इस बूंद की तरह अपनी कीमत बढ़ा सकें, जैसे बूंद की कोई कीमत नहीं थी बादलों से निकलते समय, लेकिन जब छोड़ ही दिया घर उसने और चिंता किए बिना बेचारी चली आई और अंत में मोती बन गए सीप में गिरकर, ऐसे ही जब हम बिना चिंता किए अपने कर्म की ओर, अपने गंतव्य की ओर जब निकल पड़ेंगे और लास्ट में आप देखेंगे कि आपका वो सम्मान, आपकी वो इज्जत, आपका वो रुतबा इतना बढ़ जाएगा कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बस एक बार आपको हिम्मत करने की काम है, हिम्मत करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप घर से बाहर निकलें और कुछ करें। चलिए, इस पोएम में क्या संदेश है, क्या सीख है, वो भी चलते चलते हम आपको समझा दें। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कितनी अच्छी पोएम ये है, क्योंकि तो लिखा है प्रस्तुत कविता से हमें सीख मिलती है कि किसी के भाग में क्या लिखा है ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भाग में अहित या बुरा लिखा, ये नहीं सोचना चाहिए कि बुरा है कि अच्छा है, उसके स्थान पर बहुत अच्छा भी हो सकता है और हो सकता है बुरा भी हो, लेकिन हमें बुरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमें हमेशा पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। जो लोग नकारात्मक मन रखते हैं, नकारात्मक विचार रखते हैं अपने, तो कहीं ना कहीं उनके साथ नकारात्मक होने की संभावना रहती है। इसलिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, टेक केयर, और कमेंट में जरूर ये बताइएगा कि आपको ये पोएम कैसी लगी, आपने इससे क्या क्या सीखा, कितनी आपको प्रेरणा मिली, पढ़ाने का ढंग कैसा लगा, जिससे कि हमें और प्रेरणा मिले और हम अच्छा पढ़ाने का आपको प्रयास कर सकें, ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुना सकें और आपके ज्ञान को बढ़ाने में हम अपना योगदान दे सकें। और बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है आर पीपल स्कूल जोगीठेर, और जिससे आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिल सकें। अब हमारा जो समय है यहीं तक। जय हिंद, नमस्कार।